आपका श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, जो जिनको जल्दी जाना होता है भगवान के घर, वो इतने अच्छे क्यों होते हैं? जिनको जल्दी भगवान ले जाते हो, इतने अच्छे क्यों होते हैं गुरुजी? क्योंकि अच्छे लोगों का काम यहाँ भी है और वहाँ भी अच्छे लोगों की जरूरत पड़ती है। गुरुजी, मैंने बहुत आपके कथा से जुड़ा, जब से सिर्फ 2 महीना पहले मैं आपके कथा से जुड़ी, 2 महीने बाद मेरे जिंदगी में ऐसा कुछ आने वाला था, शायद इसीलिए मैं आपके कथा से जुड़ी। मैं आज जिंदे खड़ी हूँ आपके कथा के वजह से। मैंने अपना लड़का खोया है गुरुजी। क्या हो गया उसको? गुरुजी, अभी बीकॉम किया था, उसने इतना टैलेंटेड बच्चा था। मेरे 2 लड़के हैं, जो पहला है ना वो ठीक नहीं रहता, जो बड़ा वाला, ये छोटा वाला था, इसने पढ़ाई छोड़ रखा था प्लस टू करके, वो पढ़ रहा था। मैंने कर्जा लेकर जैसे भी हुआ, मेरी इतनी औकात नहीं, मैं मजदूरी करती जलंधर में रहती हूँ पंजाब में, लेकिन मैंने उस पर लगाया 50-50 हज़ार, 2-3 लाख जितना भी फीस हुआ मैंने उसके ऊपर लगाया। कॉलेज में पढ़ाई, अभी उसका कॉलेज क्लियर हुआ जुलाई में, उसका रिजल्ट आया पिछला साल, और अगस्त में उसको कुछ नहीं हुआ था पहले से। गुरुजी, बिल्कुल ठीक था, उसको सिर्फ टाइफाइड था, जब चेक करवाई तो 160 था, कोई ज़्यादा नहीं। एक बार कुछ ऐसा हुआ जो 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहा लड़का मेरा, और भगवान उसको उठा के ले गए। कभी उसको आज तक ग्लूकोज नहीं लगा था, पहली बार लगा और आखिरी भी हो गया उसकी, पता नहीं। इतना भगवान का भक्त था, कभी कोई चीज़ का नशा नहीं। उसके पापा एक तंबाकू खाते हैं, उसके लिए भी बोलता है जो एक बच्चा है वो अच्छा है, ठीक है। नहीं गुरुजी, उसके लिए आपसे मेरे को पर्सनल बात करनी है, इस पर यहाँ पर नहीं बोल सकती। आप मेरे से मिलोगे 2 मिनट के लिए? अभी चलो सबसे मिलेंगे अंदर, गौरी गोपाल मंदिर है सामने, चलो सब लोग। गुरुजी, एक और सवाल है, ये बांसुरी जो रखे हैं घर में, उसका जो मोरपंख है ना, वो अपने आप बढ़ता है? क्या करता है वो? मतलब बड़ा हो रहा है मोरपंख जो बड़ा हो रहा है? हाँ जी, बांसुरी में जो लगा होता है, बांस वाला जो बांसुरी होता है। कितना इतना बड़ा हो गया घर? नहीं, पहले जितना था उससे बड़ा हो रहा है गुरुजी। अच्छा, कोई बदल तो नहीं दिया, छोटा निकाल के बड़ा लगा दिया? चलो। और गुरुजी, हम आपसे गुरु मंत्र लिए हैं कल, तो मेरे यहाँ का रूल है, मेरे को आपका चरणामृत चाहिए गुरुजी। ठीक है, श्रीमन्नारायण गुरुजी। जी जी, सब बैठ जाओ, पीली मैया बैठो। प्रणाम गुरुदेव। जी भैया, मैं अयोध्या धाम से आया हूँ। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न ये है कि हमारा कोई भी काम शुरू तो करते हैं तो बड़ी बाधाएं आती हैं, हो जाता है प्रभु की इच्छा से हो जाता है, लेकिन इतनी कठिनाई आती है, लगता है कि अब होगा कि नहीं होगा, अब होगा कि नहीं हो पाए, यही मूल प्रश्न है गुरुजी। हो जाएगा, क्यों नहीं होगा जी? काम करते रहो जी, प्रयास करते रहो, सब होगा, सफलताएं मिलेंगी, हो जाएगा जी। ये खड़ी हो जाओ मैया, इनको दे देना, खड़े हो जाओ आप। प्रणाम गुरुजी। हाँ सोफे, हाँ इनको दे दो, बैठो मेरी सारी माँ। मैया जा रही हो, टाटा। राधे राधे गुरुजी। जी, बिहार से आए हैं गुरुजी। बोलो बोलो। बिहार से आए हैं जी। मेरा शादी के साल की आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ हाँ, आशीर्वाद है, खुश रहिए। मेरे तीनों लड़का को, आशीष मनीष सतीश को आशीर्वाद दे दीजिए। आशीष मनीष सतीश। हाँ। अच्छा, अच्छे नाम, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी।